पाठ दो, वर्णमाला अल्फाबेट। बच्चों, बोते समय हम अपने मुंह से कुछ ध्वनियां आवाजें निकालते हैं। ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। भाषा की लिखी और बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। कमल, दरवाजा, चिड़िया, सूरज। इन शब्दों में कई ध्वनियां हैं। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। दरवाजा, द जमा अ जमा र जमा अ जमा व जमा आ जमा ज जमा आ। चिड़िया, च जमा ई जमा ड जमा ई जमा य जमा आ। सूरज, स जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। स्वर, व्यंजन, वर्णमाला। स्वर, हिंदी के 11 स्वर इस प्रकार हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन, हिंदी के 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ऐया। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, ष, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनके अलावा भी हिंदी में कुछ और वर्ण हैं। अम, अह, ड, ढ। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने कुछ वर्ण भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हैं छ, त्र, ज, श्र। छ, क जमा श जमा अ, शिक्षा, कक्षा, पक्षी। त्र, त जमा र जमा अ, पत्र, पुत्र, मित्र। ज, ज जमा त्र जमा अ, यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा। श्र, श जमा र जमा अ, श्रीमान, श्रम, आश्रम। हमने सीखा, बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।